उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया है। गाजियाबाद की तीनों तहसील में किए गए सर्वे में 139 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। इनके सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक एक बार और इस सर्वे की रिचेक किया जाना बाकी है। जिले में मदरसों के सर्वे के लिए तहसील स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें संबंधित तहसील क्षेत्र के उप जिला अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि सदर लोनी और मोदी नगर तहसील में किए गए सर्वे में पता चला है कि लोनी में 76 मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है। मोदी नगर तहसील में संचालित और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 5 है। तहसील सदर क्षेत्र में यह संख्या 58 है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 228 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनके अलग अलग जो मदरसे संचालित हो रहे हैं वह गैर मान्यता प्राप्त है। अधिकारी ने यह भी बताया है कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर संचालित किए जा रहे हैं। गाजियाबाद के सदर तहसील के डासन कस्बे की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर अवैध रूप से मदरसों को संचालित किया जा रहा है। हालांकि मदरसे के मौलाना का कहना है कि अब इनमें मदरसों को संचालित नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मस्जिद यहां पर संचालित की जा रही है। मदरसे का नाम नफीस मस्जिद सबीकुर रसाद सेवा समिति है। मदरसे के पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दास ने कस्बे का बड़ा तालाब मदरसे के पीछे की दीवार से सटा हुआ है। जानकारी यह भी है कि मदरसे ने सरकारी जमीन को भी कब्जा किया हुआ है। अधिकारियों का दावा है कि जो मदरसे मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त हैं और सरकारी जमीन पर काबिज है, वहां पर कार्रवाई की जाएगी। ये मैंने जमीन खरीदी थी अपने पैसे से, मेरे वालिद वालदा गुजर गए हैं उनके नाम से खरीद के, और पहले इसमें मदरसा भी चलता था, मस्जिद भी चलती थी, नमाजें होती थी बराबर, अब भी होती है नमाज। लॉकडाउन शुरू होते ही जब सब मदरसे बंद हुए तो हमने भी बंद कर दिया, और फिर आगे चेक इन वैक इन के डर से हमारे पास पूरे कागज़ नहीं थे, इसलिए हमने तब से मदरसा ही नहीं चलाया। अभी तक जो सर्वे हुआ है अभी तक 139 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए हैं। चूंकि टाइमलाइन अभी बढ़ गई है, 20 तारीख तक है, तो अभी हम लोग फिर से एक्सरसाइज कर लेंगे कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है। सर, तीनों तहसीलों की बात करें तो तीनों तहसीलों के एक बार आंकड़े आप बता दीजिए, किस तहसील में कितने मदरसे अवैध रूप से संचालित अब तक पाए गए हैं? लोनी में 76 है, सदर में 58 है, और मोदी नगर में केवल 5 है। वहां मुझे थोड़ा सा डाउट है, उसको हम लोग फिर से देखेंगे।